हाय फ्रेंड्स, आई एम शीतल फ्रॉम दी स्टनिंग मॉम चैनल। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ पोस्टपार्टम केयर के बारे में। इसमें मैं कवर करने वाली हूँ कि पोस्टपार्टम केयर क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडियन ट्रेडिशनल वे क्या होता है और मैंने किस तरीके से अकेले अपना पोस्टपार्टम केयर किया। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स ट्रू दैट यू विल टोटली फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू विल होल्ड योर बंडल ऑफ जॉय, बट एट द सेम टाइम इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्पेशली इफ यू आर अलोन, बिकॉज एट द सेम टाइम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज अलॉन्ग विथ योर बेबी। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रेंड्स थे, दे आर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, तो मुझे दोनों तरफ से चीज़ें पता चली कि कैसे प्रेगनेंसी में हम अपना ध्यान रख सकते। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिगेन योर स्ट्रेंथ और योर एनर्जी, बिकॉज 9 मंथ और डिलीवरी का टाइम ऐसा होता है जिसमें कि आपका बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपका इमोशनल लेवल चेंज होता है, आप हारमोन्स आपके पूरे चेंज हो जाते हैं, आपकी बॉडी एंटायरली चेंज हो जाती है, आपकी नींद अच्छे से नहीं हो पाती है, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपके बॉडी में काफ़ी अफेक्ट हुआ रहता है जिसे कि हमें वापस से ठीक करना होता है। सो यूजुअली 6 to 8 weeks को पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है। जब आपका डिलीवरी हो जाता है उस दिन से लेकर 8 weeks तक कंसिडर करते हैं या 6 weeks तक कंसिडर किया जाता है एज पर इंडियन कल्चर। सो नाउ आई विल डिस्कस द मेजर एस्पेक्ट आफ्टर पोस्टमार्टम केयर। सो फर्स्ट पॉइंट इज मसाज। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ निकल जाता है, काफ़ी एनर्जी लॉस होती है उस समय। सो मसाज आपकी बॉडी को काफ़ी रिलैक्स फील कराता है और स्ट्रेंथ देता है। बट जिनका सी सेक्शन हुआ होता है उसे मेरे जो मुझे पता है कि उनका कुछ दिन के बाद मसाज शुरू होता है और स्पेशली स्टमक और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर ध्यान देना होता है। सो आई एम नॉट एक्सपर्ट फॉर दिस, यू कैन आस्क और यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर और फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर कि जिनका सी सेक्शन हुआ है तो उन्हें कैसे करना है। अब बात आती है अगर आप अकेले हैं तो आप कैसे करें। अकेले हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ डेफिनेटली योर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड को पूछ सकते हैं। मगर जैसे लाइक मेरे साथ जो केस था उसमें हस्बैंड का जॉब चल रहा था और उनको सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली थी, उसके बाद उन्होंने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो उनके पास उतना टाइम नहीं रह पाता था और आने के बाद ऐसा इंसान थक जाता है कि उनको खाना बनाना है, बेबी का भी ध्यान रखना है, मेरा भी ध्यान रखना है। सो इन सारी बातों का सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप जो ऑयल होता है, ऑयल जैसे मसाज के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया जाता है, जैसे मेरे यहाँ स्पेशली नॉर्थ में मस्टर्ड ऑयल में जो गार्लिक होता है, गार्लिक और अजवाइन को डाल के थोड़ा सा उसे अच्छे से बॉईल कर दिया जाता है, पका लिया जाता है और उस तेल से ही मसाज किया जाता है माँ का। सो उस समय मैं ऐसा करती थी कि तेल कटोरी में लेकर रखा है और उसे मैं सिर्फ हाथ पैर में अपने अच्छे से लगा लिया करती थी, कमर में अपने हाथ से लगा लिया करती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ योर बाथ। बाथिंग मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट और USA में ऐसा था कि यहाँ से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो नर्स थी वो लोग मुझे नहलाना शुरू कर दिए थे और स्पेशली हॉट बाथ इज़ इम्पॉर्टेंट, सिट बाथ वो लोग देते थे कि टब में पानी भरकर आप थोड़ा देर वहाँ पे बैठ लिए और उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता था, स्टिचेस को काफ़ी रिलैक्स मिलता था। बट इंडिया में रूल्स अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ पर तो ऐसा कहा जाता है कि नहीं नहाना है स्पेशली जब तक आपके स्टिचेस ना ओपन सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, तब तक नहीं नहलाया जाता है सारे लोगों में। बट मैं तो मुझे पर्सनली यही लगा कि नहाने से काफ़ी अच्छा लगता है, आपके बॉडी को काफ़ी रिलैक्स मिलता है जब आप हॉट बाथ लेती हैं और बहुत ही अब क्लीन फील होगा, आपका मन काफ़ी अच्छा रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू योर कल्चर यू कैन डू दिस, और अगर आप USA में हैं सो आपको नर्स खुद ही वहाँ पर आपको बोलेंगे कि आपको नहाना। नाउ पोस्टनेटल डाइट, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, विच हेल्प्स योर बॉडी और एंड विच हेल्प योर मिल्क प्रोडक्शन एज वेल, जो कि आपके बेबी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो वाटर रहता है, आप सादा पानी नहीं पी सकते, आपको पानी में अजवाइन डाल के पीना है। और मुझे यहाँ पर एक फ्रेंड से पता चला कि आप मेथी और ज़ीरा भी उसमें डाल के बॉयल कर सकते हैं और उसे भी पी सकते हैं। सो अब अकेले आप हर टाइम तो पानी ऐसे बॉयल नहीं कर सकते, तो आप मैं क्या करती थी, मैं रोज़ रात में ही अच्छे बड़े गंज में पानी को बॉयल करके रख लेती थी, उसमें मैं ज़ीरा ऐड करती थी, मेथी भी ऐड करती थी और समटाइम अजवाइन पानी में अलग बनाती थी और ज़ीरा और मेथी का पानी में अलग बनाती थी, दोनों को मैं टाइम टाइम से पीती थी, कभी मैंने ज़ीरा पानी पी लिया, कभी मैंने अजवाइन पानी पी लिया, इस टाइप से मैं करती थी। साथ ही मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि मंगरेल आपको जो काला ज़ीरा होता है वो यूज़ करना चाहिए, उससे मिल्क बहुत अच्छा होता है। तो जिन भी मॉम्स को मिल्क होने में प्रॉब्लम हो रहा है उससे काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होता है और ये इससे तो मुझे डेफिनेटली आई एम श्योर कि सबको फ़ायदा होता है। अगर आप ज़ीरा पानी में नहीं बॉयल करके पीते हैं तो ज़ीरा को आप एक चम्मच जैसे फ्राई करके रखा हुआ फ्राई करके आप ज़ीरा रख लीजिए, आप एक स्पून ज़ीरा खाइए और एक ग्लास मिल्क ले लीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा।
आपको हल्दी दूध पीना है, हल्दी दूध से बॉडी का पेन निकलता है। सो पोस्टनेटल डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं जो गोंद के लड्डू होते हैं, ड्राई फ्रूट्स लड्डू होते हैं, तिल के लड्डू होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी को रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है। नाश्ते के टाइम जैसे ये लड्डू आपके पास है, आपने बना के रख लिया है, अब आप अकेले हैं तो आप कैसे करना है, जब आपका 8th month लगे उसी समय आप इसे बना के रख लीजिए अपने हस्बैंड के हेल्प से, या आप अगर खुद बना सकती हैं तो बना लीजिए। मैंने इसका रेसिपी भी शेयर किया हुआ है, अगर आपको नहीं आता तो आप वो रेसिपी जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ड्राई फ्रूट और गोंद का लड्डू आया था। सो मैंने पहले ही इसे बना के रख लिया था और प्रेगनेंसी के बाद मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। इसे बस सुबह उठकर आपको एक ग्लास दूध के साथ आप एक लड्डू खा लीजिए, दैट्स इट। रोज़ आपको कम से कम 1 से 2 लड्डू खाना है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा आप कुछ ऐसे डाइट्स रहते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है, जो कि आपको गैस करेगा और उसकी वजह से आपके बेबी को भी प्रॉब्लम होगा। सो लाइक स्पाइसी जो फूड्स होते हैं वो आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, छोले, कैबेज, ऐसी चीज़, मटर। कई सारे जगह में मटर यूज़ करते हैं, कई सारी जगह में मटर यूज़ नहीं करते, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपके बॉडी को मटर सूट कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज़ आपको अपना सिर और अपने पैर को कवर करके रखना है, हमेशा आपको सॉक्स पहनना है और अपने सिर को, स्पेशली कान को में रुई लगाना है और सिर को आपको हमेशा कवर रखना है, बिकॉज वहाँ से आपके बॉडी में हवा जा सकता है। स्पेशली ठंड के टाइम आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। सो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, और अपने प्रेगनेंसी में जितने एटलीस्ट फॉर 6 to 8 days आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कवर करना है। इसके अलावा मैं अब आपको बताऊंगी कि आप अकेले किस तरीके से बेबी के साथ अपने प्रेगनेंसी को मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले से आप कुछ चीज़ें करके रख लीजिए, जैसे कि एंटायर जो प्रेगनेंसी का टाइम रहता है आपका जैसे ही नौजिया पीरियड ख़त्म होता है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी के बाद जो चीज़ें आपको लगने वाली हो उन सारी चीज़ों की तैयारी कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया हुआ था। और मेरा बेबी जो है वो विंटर के टाइम आया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से ही ले के रख ली थी, ताकि मुझे विंटर में बाहर ना निकलना पड़े, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी स्नो होता है, काफ़ी ठंड होता है। खाने पीने के लिए मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मुझे कुछ दिन तक हेल्प कर दिया, तो काफ़ी अच्छा था वो टाइम, बिकॉज खाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्पेशली माँ के लिए। अकेले काफ़ी दिक्कत होती है स्पेशली नाइट में, क्योंकि सबका बेबी अलग अलग रहता है। मुझे रात में मेरा बेबी हमेशा जगाता था, तो मेरी नींद बिल्कुल नहीं हो पाती थी, मैं बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो चुकी थी, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं बचता था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डाइट, आपका डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे बिल्कुल हेल्प ले लीजिए, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, और डिलीवरी जिसकी हुई होती है उसको तो हर कोई हेल्प कर देता है। सो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, और इस तरीके से आप अपने जो अपना भी ध्यान रख पाएंगे, अपने बेबी का ध्यान रख पाएंगे।